मुझे लगता है कि ममता दीदी मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, उनको सेंट्रल का भी अनुभव है, राज्य का भी अनुभव है और सर बहुत सालों से मांग हो रही थी कि बिहार को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, मैक्सिमम आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। तेलंगाना और आंध्रा होने के बाद वहाँ जो मतलब आंध्र प्रदेश है उनको भी मतलब पैकेज देने का तय हुआ था लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे लगता है कि दो राज्यों को ज्यादा मदद की है। लेकिन जो पूरा बजट है, बाकी का बजट पूरे देश के लिए बजट है, उसमें वेस्ट बंगाल का भी फायदा है, अनेक राज्यों का भी फायदा है, तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने किसको बांटने का प्रयत्न नहीं किया है। मतलब हमारा पैसा अगर 10 साल का अगर आप देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारा पैसा गया है, नेशनल हाईवे है, बाकी प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए ममता दीदी जी का कहना है वो इतना सही नहीं है। हम देश को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम हर राज्यों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, टप्पे टप्पे से और भी दूसरे राज्यों को ज्यादा मदद मिलेगी। इसीलिए ममता दीदी को नीति आयोग के पास जाना, तो उनको जाने का अधिकार है, वो वहां जाकर अपनी बात बता सकती है। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है, मोदी सरकार ने एक अच्छे भावना से निर्णय ले लिया है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है। सर एक सवाल ये भी है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि एमएसपी का मांग की गई थी लेकिन दिया नहीं गया, सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, सुनना नहीं चाहती है, सदन में भी हमने ये आवाज उठाई, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आज मतलब कृषि मंत्रालय के विषय पर जो क्वेश्चन था उस पर शिवराज सिंह चौहान जी रिप्लाई दे रहे थे, उन्होंने मतलब एमएसपी कितनी बड़ी है कि कितना कितना मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में कितना मतलब उनको पैसा मिलता था, अभी कितना मिल रहा है इसकी पूरी जानकारी ये दी है, तो एमएसपी पर टप्पे टप्पे से विचार होने वाला है, जो समितियां भी आने, समिति का जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद निर्णय होने वाला है। लेकिन आज सुरजेवाला जी ने बहुत ज्यादा हंगामा किया, हर बात पर उन्होंने आवाज उठाने का काम किया, उनको आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो इसीलिए एमएसपी के बारे में सरकार सिंपैथेटिकली विचार कर रही है, कई मतलब वस्तुओं को एमएसपी है लेकिन बाकी के जो नहीं है उस पर समिति का रिपोर्ट आएगा तो निर्णय हो जाएगा। देखिए सर